भाजपा आलाकमान का फैसला सही है या गलत, इसका फैसला भी जल्द ही होने वाला है। पंचायती राज चुनावों में जनता इससे नफा नुकसान को बेहतर बयां कर सकती है। वहीं भाजपा पर जिले से भेदभाव के कांग्रेस के आरोपों को भी हवा मिल गई है। जिला को मंत्रिमंडल गठन में फिर से बाहर रखने से लोगों में रोष है। बताते चले कि लंबे अरसे से जिले को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने की आहट थी, तो वहीं मंगलवार को कुछ और ही फैसला आया। भटियात विधानसभा से दूसरी बार लगातार जीते विधायक विक्रम सिंह जरियाल के समर्थकों के अलावा जिले के भाजपाइयों को ये फैसला मायूसी दे गया। तो वहीं जिले से भेदभाव के प्रदेश सरकार पर विपक्ष के आरोपों को भी हवा मिली है। कांग्रेस शासन की बात करें तो चंबा जिले को मंत्रिमंडल में स्थान मिलता आया है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को भी विभिन्न बोर्ड अध्यक्ष बनाकर जिले को सम्मान देती आई है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है, तो वहीं प्रदेश सरकार के प्रति भी अंदरूनी रोष सिर उठा रहा है। इससे कांग्रेस को भी राजनीतिक लाभ, जबकि भाजपा को नुकसान से भी मुकरा नहीं जा सकता। सीएम जयराम ठाकुर के सबसे ज्यादा लीड दिलवाने वाले विधायक को बड़े पद से नवाजने की बात भी यहां पानी फिर गया है। बताते चलें कि भटियात विधानसभा न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में भाजपा की मत प्रतिशतता में पहले नंबर पर था। इसके पीछे विधायक विक्रम जरियाल की मेहनत को प्रदेश सरकार ने दरकिनार कर दिया है। पीटर हॉफ से भटियात की दूरियों का असर मंत्रिमंडल विस्तार पर पड़ रहा है। ये दूरियां राजनीतिक गलियों में हमेशा चर्चाओं में रही हैं, तो ये किस्सा भी अनायास ही नहीं। साल 2017 में मंत्रिमंडल गठन के दौरान भटियात के विधायक विक्रम जरियाल को राज्यपाल का शपथ पत्र भी मिला था। संस्कृत में लिखा गया ये मंत्री पद की शपथ का पत्र विधायक विक्रम जरियाल ने सहेज कर रखा था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज नैयर कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से ये साबित हो गया है कि कांग्रेस के भाजपा पर चंबा से भेदभाव के आरोप झूठे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चंबा जिला का हमेशा हित किया है, यही वजह है कि यहाँ से मंत्री बनाए जाते रहे हैं। वहीं भाजपा ने सत्ता में आते ही जिला से भेदभाव करने का काम जारी रखा है, लिहाजा अब देखना यह है कि भाजपा का जिला को मंत्री पद से वंचित रखना पंचायत चुनावों में क्या रंग लाता है। बचा हुआ है, एक रूम और बनाएंगे हम, उस रूम को पैसे देने की भी मैं घोषणा करता हूँ यहाँ से, और पीडब्ल्यूडी से विभाग से भी गुजारिश है कि वो पैसा जो बचा हुआ है प्लीज रिटर्न टू प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगड़ा। यहाँ पर स्टेज की बात हो रही थी, सभी स्कूलों ने स्टेजें लिए, मेरी स्टेज अच्छी स्टेज बनाई है, तो प्रिंसिपल के साथ कहते हैं कि स्टेज बना दी तो हमारा ग्राउंड जो है रुक जाएगा, प्रेयर करने के लिए भी हमें मुश्किल हो जाएगी। मुझे एक मोबाइल स्टेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी 1,00,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ मैं। ENTV के लिए चंबा से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट।